नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए अब शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पुलिस के लाख दावों के बाद भी तराई के लखीमपुर खीरी जिले में अवैध असलहों की फसल लहलहा रही है। कोतवाली मोहम्मद इलाके में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गोमती किनारे चल रही इस असलहा फैक्ट्री में पुलिस ने करीब एक दर्जन असलहे बरामद किए। इसके अलावा बड़ी संख्या में असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने इस कार्य में लगे 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिला खीरी में मोहम्मदी पुलिस द्वारा कुल एक जो अंतर जनपदीय जो असलहा बनाने वाले को गैंग को पकड़ा गया है और उसमें 3 अपराधियों का गिरफ्तारी हुआ है और उसमें से कुल 22 असलाह बरामद हुए हैं और असलाह बनाने का उपकरण और रॉ मटेरियल्स भी मिले हुए हैं और इनके द्वारा यही बताया गया है कि इसमें कहीं 5,000 कहीं 10,000 रुपये में इस तरह का असलाह बेचते हैं और ये अलग अलग बोर के असलाह मिले हुए हैं और भी पूछताछ चल रहे हैं और कहाँ कहाँ बेचे हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम समाचार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।